हेलो स्टूडेंट्स क्लास एट प्लीज टेक आउट योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन कॉन्स्ट्रक्शन है देखो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहे हैं कॉन्स्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल एम आई एन टी मिंट इन विच एम आई इजगल टू टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर आई एन इजगल टू टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एन टी इजगल टू थ्री पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड टी एम इजगल टू थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका फोर साइड का मेजरमेंट दे दिया है एंड द डायगोनल एम एन इजल टू फोर पॉइंट वन सेंटीमीटर मेजर डायगोनल आई टी ओके तो देखो क्या बोला है uh, एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका चारों साइड का मेजरमेंट बोल दिया है और डायगोनल एक डायगोनल बोल दिया है दूसरा वाला डायगोनल का मेजर करना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे एक रफली पहले देखो पहले एक रफली बना लेना ठीक है क्योंकि रफ अगर बना लोगे तो ये नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन है स्केल कॉम्पस से बनाना है वो इजी हो जाएगा ठीक है तो देखो मैं एक रफली बनाई हूं एम आई एन टी मिंट एक क्वार्रिलैटरल है जिसका देखो जैसा जैसा उधर क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा ही मैं लगाई हूं टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट वन एंड थ्री पॉइंट थ्री और ये वाला है फोर पॉइंट वन ओके डायगोनल अभी ये I और T का जो डायगोनल है उसका मेजर हमको करना है मैं क्या की हूं पहले जो डायगोनल है एम एन उसको की हूँ उसको स्केल से नॉर्मली फोर पॉइंट वन जैसा है वैसा की हूं ठीक है उसके बाद इधर जितना सारा नाप है मुझे मतलब जो जो साइट uh, का दे दिया है Uh, चारों साइड का उसका नाप मैं इधर स्केल से लगा ली हूँ एक है फोर पॉइंट टू पॉइंट नाइन है टू पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट थ्री एंड थ्री पॉइंट वन ओके इसमें सारा है uh, इधर uh, जो जितना है उसके बगल में लिख देना कौन सा कितना है ठीक है तो उसके बाद मैं क्या की हूँ एक एक करके इधर ड्रॉ की हूँ ओके okay. तो पहले तो मैं फोर पॉइंट वन इधर लगाई हूं ठीक है इधर एम इधर एम एन, एन लिख दी हूँ फोर पॉइंट वन स्केल से नाप करके करना है उसके बाद एम और एन हो गया उसके बाद मैं क्या करूंगी इधर में से जो 2.9 का है 2.9 का जो है उसका नाप लूंगी लेके इधर एम पे बैठा के मैं इधर एक आर्क बनाऊंगी ठीक है हो गया तो 2.9 हो गया अभी जो 2.6 है इधर मैं 2.6 पॉइंट ली हूं तो इधर जो 2.6 है उसका नाप लूंगी नाप लेके एन में बैठा के मैं इधर आर्क बनाऊंगी तो दोनों का एक पॉइंट बन गया तो इसको मैं इधर खींच दूंगी तो इधर का हो गया मतलब हो 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 गया गया गया। और और अभी इधर का बनाना है तो वैसे ही जैसे आगे वाला प्रोसेस में किए थे वैसे ही करेंगे थ्री पॉइंट वन का नाप लेंगे लेके इधर में बैठा के इधर करेंगे थ्री पॉइंट थ्री का नाप लेंगे इधर में बैठा के इधर कर दिए ठीक है तो उसके बाद ये दोनों हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हो गया देखो क्लियरली ये हो गया अभी क्या करना है जो आई और टी है इसमें से एक स्केल से मैं खींच दूंगी उसके बाद उसका जो नाप है वो लिख मतलब देखकर मेजर देखकर मुझको लिखना है ठीक है तो क्या है मैं हमेशा बोल रही हूं जो क्वेश्चन में दिया है वो एक रफली एक बना लो तो सुविधा होगा रफली बना के उसके बाद ये वाला ड्रॉ करो तो बहुत इजी होगा ठीक है तो जैसा मैं इधर की हूं देखो वैसा ये वाला भी बन गया है इजीली तो ऐसे करके जितना सारा है वैसे बनाना है इट्स वेरी इजी और नीचे लिखना है हेंस क्वाड्रिलेटरल और मैं आई और टी का नाप नहीं ली हूं तुम लोग खुद इसका नाप लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींचना है उसके बाद उसका स्केल से कितना नाप है कितना सेंटीमीटर है वो लेकर इधर लिखना है आई टी इजल टू इतना सेंटीमीटर ओके okay. तो नंबर वन का हो गया ये ध्यान से देख लो ऐसे ही बाकी जितना सारा है वो सब है ठीक है ओके नंबर टू का देखो कॉन्स्ट्रक्ट अ पैराल मतलब ऑपोजिट uh, वाला सेम होगा पैराललोग्राम विंग डब्ल्यू आई एनजी इन विच डब्लू आई इजल टू फाइव सेंटीमीटर आई एन फोर पॉइंट फाइव और डायगोनल डब्ल्यू एन सेवन पॉइंट फाइव ओके तो हम लोग देखते हैं नंबर टू का कैसे करेंगे नंबर वन का सिर्फ क्वाड्रिलेटरल था लेकिन इसमें है पैराललोग्राम तो ध्यान रखना है जो रफ की हूँ उसको ध्यान दो क्या है डब्ल्यू आई एन जी इधर जी होगा डब्ल्यू आई एन जी एक क्वाड्रिलेटरल पैरा लालोग्राम ठीक है जिसमें डब्ल्यू आई बोल दिया है फाइव सेंटीमीटर डब्ल्यू आई फाइव होगा तो उसका ऑपोजिट वाला जी एन वो भी फाइव होगा और क्या बोल दिया है आई एन आई एन फोर पॉइंट फाइव आई एन फोर पॉइंट फाइव होगा तो ये भी फोर पॉइंट फाइव होगा पैरालोग्राम क्या होता है पैरालोग्राम होता है क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें ऑपोजिट जो लाइंस है वो उसका मेजरमेंट सेम होगा तो ये फाइव होगा तो ऑब्वियसली ये भी फाइव होगा ये फोर पॉइंट फाइव है तो ये भी फोर पॉइंट फाइव ठीक है और डायगोनल बोल दिया है सेवन पॉइंट फाइव ठीक है तो अभी इसको ड्रॉ करना है पहले वाला जैसा था वैसा ही करेंगे पहले सेवन पॉइंट फाइव हम लोग स्केल से कर लेंगे स्केल से ये वाला लाइन खींच लेंगे उसके बाद क्या करेंगे जो हम लोग को दिया है फाइव सेंटीमीटर और फोर फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर उसको ऐसे खींच लेंगे उसके बाद करेंगे क्या जो कॉम्पस है उससे हम लोग इधर का क्या किया है इधर का किया है फाइव सेंटीमीटर तो पहले फाइव सेंटीमीटर का नाप लेंगे कॉम्पस से हम लोग फाइव सेंटीमीटर का नाप लेंगे उसके बाद डब्ल्यू में बैठा के इधर एक आर्क बनाएंगे ठीक है और एक बार क्या करेंगे एन में बैठा के इधर एक तो करेंगे क्योंकि ये दो सेम है तो पहले डब्ल्यू में W में बैठा के एक करना है फिर उसके बाद N में बैठा के और एक करना है ठीक है ये हो गया अभी करेंगे 4.5 का फिर 4.5 का नाप लेंगे 4.5 का नाप लेंगे फिर N में बैठा के इधर करेंगे और W में बैठा के इधर करेंगे ठीक है तो हम लोग का पॉइंट्स आ गया तो हम लोग नॉर्मली जो लाइन्स है वो खींच देंगे तो उसके बाद क्या होगा हम लोग का पैरालोग्राम बन गया अभी क्या है डब्ल्यू एन जो डायगोनल है उसका है 7.5 सेंटीमीटर लेकिन हम लोग को I और G जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे खींची हुई I और G जो है उसका तो नाप लेना है तो क्या करेंगे I और G का हम लोग स्केल से ऐसे स्केल से ऐसे बैठा के हम लोग नाप ले लेंगे ठीक है जितना होगा मेरा आया है 5.8 सेंटीमीटर तो हैं डब्ल्यू आई the इज द पैरालोग्राम एंड द अदर डायगोनल इज सेंटीमीटर मेरा फाइव सेंटीमीटर आया है तुम लोग का भी जो आएगा वही मतलब मैं 5.8 लिखी इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग को आना है वही बैठाना है ऑब्वियसली 5.80 आने से ठीक होगा लेकिन अगर तुम लोग का 5.7 आया या 5.9 आया तो उसी को लिखो ठीक अच्छा. है अच्छा नेक्स्ट है नंबर थ्री का जैसा नंबर टू का है वैसा ही नंबर थ्री का है वो वो लोग मतलब तुम लोग खुद कोशिश करो तुम लोग कर पाओगे ठीक है और नंबर uh, फोर का मैं दिखा रही हूँ नंबर फोर का देखो कॉन्स्ट्रक्ट अ रोम्बस मार्स विथ एम एजल टू फाइव सेंटीमीटर एम आर सेवन सेंटीमीटर मेजर द अदर लेंथ डायगोनल ओके तो क्या है एक रोम्बस uh, का बोल दिया है एक है एम ए फाइव सेंटीमीटर एम आर जो है वो क्या होगा डायगोनल होगा अच्छा uh, तुम लोग को पता है आई थिंक फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ रॉम्बस क्या होता है रॉम्बस वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड सेम होता है जैसे स्क्वायर का होता है वैसा ही इसका सेम होता है लेकिन इसका शेप मतलब शेप तो स्क्वायर के जैसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा टेढ़ा होता है uh, रॉम्बस uh, स्क्वायर के जैसे एकदम स्ट्रेटली नहीं होगा ठीक है तो देखो इसका एक तो बोल दिया है एम एजल टू फाइव सेंटीमीटर एम ए इजगल टू फाइव सेंटीमीटर तो बाकी जितना सारा है वो सब फाइव सेंटीमीटर और एम आर जो है वो है सेवन सेंटीमीटर मतलब एम आर है डायगोनल ओके okay. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इधर मैं एक फाइव सेंटीमीटर ले ली हूं ठीक है अच्छा इधर देखो मैं लिखी हूं रॉम्बस इज क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल सो एम एजगल टू ए आर इज टू आर एस इजगल टू एस एम तो देखो एम ए इजगल टू ए आर इज गर एस इजगल टू एस एम ओके ये क्लियर होने के बाद मैं एक फाइव सेंटीमीटर ली हूं उसके बाद इधर एक सेवन सेंटीमीटर ली हूं जो है डायगोनल एम आर ठीक है उसके बाद क्या करेंगे फाइव सेंटीमीटर का नाप लेंगे जैसे हम लोग पहले ड्राइंग में कर रहे थे आ, ऐसा एक नाप लेंगे फाइव सेंटीमीटर का इजीली हर तरह बैठा के एक ही का करना है इधर बैठा के ऊपर एक ही नाप है तो उसको कुछ इधर उधर नहीं करेंगे इधर आर में बैठा के इधर फिर आर में बैठा के नीचे एक ठो और ऊपर मतलब एक पॉइंट में है, बैठाएंगे ऊपर एक ठो खींचेंगे नीचे एक ठो नीचे एक ठो खींचेंगे फिर आर में बैठाएंगे ऊपर एक ठो करेंगे नीचे एक ठो करेंगे ठीक है उसके बाद चारों को ज्वाइन कर देंगे लाइन को तो मेरा आ गया रॉम और क्या है डायगोनल को करना है ए और एस को स्ट्रेट लाइन खींचना है उसके बाद स्केल बैठा के नाप ले लेना है ठीक है तो लिखना क्या है हेंस मार्स इज द रिक्वायर्ड रोम्बस एंड द अदर डायगोनल इज मैं नहीं नाप नहीं ली हूं तो इधर ब्लैंक है तुम लोग नाप लेके जिसका जितना आएगा वो उतना ही बैठाएगा उतना सेंटीमीटर ओके okay. तो नंबर फोर का हो गया है फाइव और सिक्स का देखो बोला है पॉसिबल की इम्पॉसिबल ओके okay. तो ये तुम लोग खुद ट्राई करो अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इन्फॉर्म uh, करना मुझे मैं दिखा दूंगी ओके okay? तो फिफ्टीन पॉइंट वन कम्प्लीटेड ओके